तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे और आपको बताते हैं रिजल्ट को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। डीएलएड रिजल्ट होगा जारी। जी हाँ दोस्त, इस समय की पहले बड़ी अपडेट, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट है और यहाँ से डाउनलोड करें सबसे पहले रिजल्ट। तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं, हमारा डीएलएड का रिजल्ट अब किसी भी वक्त जारी हो सकता है। हमने दोस्तों आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है जहां से आप लोग अपना रिजल्ट सबसे पहले डाउनलोड कर सकते हैं। प्रथम सेमेस्टर तृतीय सेमेस्टर रिजल्ट का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा जहां से आप लोग अपना रिजल्ट तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। एक और दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही, देख लीजिए, बड़ी खुशखबरी, डीएलएड डायरेक्ट एडमिशन नोटिस जारी। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बड़ी अपडेट है और डीएलएड छात्रों के लिए एक नई नोटिस आई है 2021 बैच को लेकर। तो देख सकते हैं आप लोग इस नोटिस को, अभी हम इसका भी लिंक हम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे देंगे जहां से आप लोग इस नोटिस को तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त यार भाई बहन कोई भी डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहता है तो उनको आप इस लिंक को भेज दीजिएगा। एक बात और आपको दोस्त यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, अभी भी दोस्तों डायट कॉलेज में, जी हाँ दोस्तों डायट कॉलेज में काफी ज्यादा सीटें खाली हैं। डायरेक्ट एडमिशन में भी दोस्तों आप लोगों को डायट कॉलेज मिल सकता है, तो भैया उसका फायदा उठाइए। ठीक है, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे, कोई भी अपडेट आपसे छूटेगी नहीं। और देखिए जो हमारा रिजल्ट घोषित होगा कुछ ऐसा ही शो करेगा, जैसे ही आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड करें तो सबसे पहले आप नीचे जाकर अपना रिजल्ट का स्टेटस देखिएगा, या तो दोस्तों आपको यहाँ पर पास लिख कर दिखेगा या तो दोस्तों आपका रिजल्ट का स्टेटस फेल होगा। और उम्मीद करेंगे कि भैया इस बार कोई भी बच्चा फेल ना हो। द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट बेहद खराब आया था, उसी को लेकर बच्चे काफी ज्यादा टेंशन में है। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। अब किसी भी वक्त हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक आपका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया हो। तो देखिए रिजल्ट के लिए सिर्फ dlrizult.com। जी हाँ दोस्तों, आप गूगल की वेबसाइट खोलेंगे तो क्या सर्च करेंगे, DELED, ठीक है, RESULT.COM। जी हाँ दोस्तों, dlrizult.com, आप इस वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट सबसे पहले डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वेबसाइट पर आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, कितना प्रतिशत रिजल्ट इस बार आ रहा है। तो गाइज फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही, सभी बैच के छात्रों के लिए। उसके बाद दोस्तों देखिए इस रिजल्ट से भैया चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों का भविष्य का निर्णय हो जाएगा कि रिजल्ट कैसा आ रहा है। द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट बेहद खराब था, उससे ज्यादा खराब कुछ नहीं हो सकता। अगर हमारा प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट भी कुछ वैसा ही आता है तब तो भैया बड़ी टेंशन वाली बात हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों इस रिजल्ट को चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र बड़ी सावधानी से देखेंगे कि यार ऐसा रिजल्ट कैसे बन रहा है। ठीक है, बाकी पीएनपी की जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी एक भी अपडेट आपसे छूटेगी नहीं। इस वीडियो में दोस्तों हम 2 नवंबर 2021 आज सुबह से लेकर रात तक की सभी बड़ी अपडेट को और कुछ अपडेट हम 3 नवंबर की भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी खबर दोस्तों आपसे छूटेगी नहीं। प्रमोट करने का नियम, जी हाँ दोस्तों, दो तीन सेमेस्टर जिन बच्चों की बैक लग गई है अब वो बच्चे परेशान है कि यार प्रमोट का नियम क्या बने ताकि उनका भी लाभ हो सके, उनको भी फायदा मिले। तो 2021 बैच पहले दोस्तों इस नोटिस को चलिए आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अभी आपका तो इससे कुछ लेना देना है नहीं, सिर्फ नए बच्चों के लिए इससे लेना देना है, उसके चलिए अलग से हम वीडियो बना देंगे नोटिस को लेकर। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं प्रमोट करने के नियम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, प्रमोट का नियम क्या हो सकता है, सभी बच्चे एक ही सवाल है, सभी बच्चों के मन में आज एक ही सवाल होगा। ठीक है, कि प्रमोट का आखिर नियम क्या हो सकता है, कैसे आपको फायदा मिले। देखिए हमारा जो प्रमोट का नियम बनाया गया दोस्तों, चतुर्थ सेमेस्टर के आधार पर थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट करने का नियम है। तो सिंपल सी बात है, द्वितीय सेमेस्टर जो हमारा सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हुआ, जो भी बच्चे पास हैं उन बच्चों को प्रमोट करने में आप कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिन बच्चों की बैक है उनको भी अगर पीएनपी चाहे तो प्रमोट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो थर्ड का आपका रिजल्ट बनेगा वो किसके बेस पर बनेगा, वो चतुर्थ सेमेस्टर के आधार पर बनेगा, तो प्रमोट करने में देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जानबूझकर बच्चों को परेशान किया जा रहा है कि आप लोग पहले अपना सेकेंड क्लियर करिए उसके बाद ही प्रमोट करेंगे। जब प्रमोट इनको करना था तो पहले कर देना चाहिए था, लेकिन वही है आपको परेशान किया जा रहा है। ताकि दोस्तों आप देखिए एक बात और है, इनकी लापरवाही से आपको नई भर्ती से बाहर भी होना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षक भर्ती का अगर नोटिफिकेशन आएगा तो हर हालत में जनवरी 2022 तक आ जाएगा, नहीं तो उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और देखिए योगी सरकार के सामने भी दोस्तों ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा कि वैकेंसी कैसे जल्द से जल्द निकालें। अगर वैकेंसी चुनाव से पहले नहीं आ पाती तो सरकार को चुनाव के बाद वैकेंसी निकाल कर उनको कोई फायदा नहीं होगा। अब भैया इस समय सभी लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं कि हमें कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, आप सुनने में दोस्तों मिलेगा। देखिए इस समय योगी सरकार अगर वैकेंसी नहीं निकालेगी तो उनको भैया वोट बैंक पर बहुत ही बड़ा असर होगा। डीएलएड करने वाले छात्रों की संख्या लाखों में है, और देखिए गाइस उसके बाद बीएड, बीएड के बेरोजगारों की भैया संख्या भी काफी ज्यादा है।
यहाँ पर दोस्तों एक और बात है आपको बता दे जो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, अगर दोस्तों डीएलएड छात्रों को वरीयता मिल जाए, ठीक है, डीएलएड और बीएड में डीएलएड छात्रों को वरीयता दे दी जाए कि पहले डीएलएड के छात्रों को नौकरी दी जाएगी उसके बाद बीएड में, तो गाइस याद रखिए अगर आपने सिर्फ परीक्षा पास कर ली तब भी दोस्तों आपकी नौकरी 99% कंफर्म हो जाएगी कि आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। ऐसा दोस्तों दो बड़ी वैकेंसी में देखने को मिला, 68,500 शिक्षक भर्ती में आज भी 22,000 पद खाली है क्योंकि उतने बच्चे पास ही नहीं हो पाए। डीएलएड की हम बात कर रहे हैं, 69,000 भर्ती दोस्तों जब आई, 69,000 शिक्षक भर्ती में डीएलएड के दोस्तों तकरीबन 38,000 से ज्यादा बच्चे पास हुए हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि 69,000 पद थे, 38,000 से ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं। तो गाइस ये फायदा है डीएलएड करने का, लेकिन बीएड की जो एंट्री हुई है ना उससे आपका नुकसान हो रहा है क्योंकि बीएड के छात्रों को प्राथमिक भर्ती में मौका मिल गया। अभी आपको पता होगा कि हमारा टीजीटी का रिजल्ट घोषित हुआ जहां पर दोस्तों बीएड के बच्चों को अच्छी खासी नौकरी दी गई, डीएलएड को तो मौका भी नहीं मिला। कुछ दिन पहले दोस्तों हमारी वैकेंसी आई थी बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या खंड शिक्षा अधिकारी, जहां पर भी बीएड को मौका दिया गया लेकिन डीएलएड के छात्रों को नहीं। तो आप समझिए कि आपके साथ कैसे धोखा दिया जा रहा है, आपको कैसे अन्याय हो रहा है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना कि धीरे धीरे बच्चे अन्याय सहते सहते अब क्या करें, ऑप्शन ही नहीं कुछ। अब प्राइवेट कॉलेज वाले वैसे भी आपको काफी लूटे होंगे जहां पर एग्जामिनेशन फॉर्म के ज्यादा से ज्यादा पैसे वसूले गए होंगे, प्रैक्टिकल के नाम पर अलग से वसूली, टीचिंग के नाम पर अलग से वसूली, कॉलेज ना जाने के अलग से पैसे, मतलब हर जगह दोस्तों या तो रिश्वत मांगी जाती है। और उसके बाद आपको बता दें डीएलएड में भी भैया पास होने के लिए बच्चों ने काफी ज्यादा पैसा दिया है जो हमारा रिजल्ट आज आने वाला है प्रथम और तृतीय का, ठीक है, दो तीन सेमेस्टर में भी ऐसा हुआ था लेकिन रिजल्ट क्या निकला, फेल निकला। तो गाइस जो ये दलाल आजकल है ना ऑनलाइन ऑफलाइन, बच के रहिए, आपके पैसे लूट लेंगे, कुछ करते नहीं है, भगवान भरोसे अगर आप पास हो गए तो आपका पैसा ले लिया जाता है, फेल हो गए तो उसी को रिफंड कर देते, कुछ लोग तो रिफंड भी नहीं करते। समझिए आप लोग, आप मेहनत करके आते हैं, आपको डाउट होता है कि हम पास होंगे या फेल, आप सोचते चलो पैसा दे दो भाई वो देखेगा, ठीक है, काफी लोग आपका पैसा लेके बैठ जाते हैं, भगवान भरोसे अगर आप निकल गए तो वो पैसा उनका हो जाता है, नहीं निकले तो रिटर्न कर देते, कुछ लोग तो उसको भी नहीं करते ऑनलाइन होके। तो फिलहाल दोस्तों आपका जो रिजल्ट जारी हो रहा है उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, जैसे लिंक एक्टिवेट होगा सबसे पहले आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। रिजल्ट में हो सकता है लिंक एक्टिवेट होने में थोड़ा समय लग सकता है, तो आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। तो जो हमारी इंतजार की घड़िया थी लगभग अब वो समाप्त होने वाली है, और दोस्त यहाँ पर फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर है, ठीक है, आज उनका भी दोस्तों हो सकता है कि फैसला हो जाए कि आप नई भर्ती के योग्य हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। देखिए जिन बच्चों की बैक लगेगी वो बच्चे परेशान नहीं होंगे क्योंकि फिर से बहुत ही जल्द दोबारा परीक्षा कराई जाएगी, चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर होना है, उसके साथ साथ इनको सेकेंड का पेपर कराना ही पड़ेगा ताकि बैक पेपर, जितने बच्चों की बैक लगी उनके भविष्य का भी तो फैसला करना है ना। तो पीएनपी के सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं, मिलते हैं एक और वीडियो में। फिलहाल रिजल्ट के लिए हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया उसको चेक कर लीजिएगा। आपको दोस्तों एक बात बता दें, जो आप अपना रोल नंबर यूज करेंगे ना वो कौन सा रोल नंबर होगा आपका, वो न्यू वाला होगा, नया वाला होना चाहिए, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ मांग सकते हैं, वैसे नहीं मांगेगा, और 2017 बैच 18 बैच सभी के लिए लिंक अलग अलग दिया गया है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।